इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। सलेमपुर लोकसभा सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी रवाशंकर राजभर ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान उमड़ा जनसैलाब। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां नामांकन के चौथे दिन भी प्रत्याशियों ने गहमागहमी के बीच अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सलेमपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने अपना नामांकन यात्रा की शुरुआत अपने कैंप कार्यालय बेथाराम रोड उभाव से किया। उनका काफिला बज्जी बाजार मायानगर सिकंदरपुर होते हुए बलिया जनपदीय कार्यालय पहुंचा, जहां मौजूद वरिष्ठ सपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद बलिया कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेतागण मौजूद रहे, तो वहीं सपा का पूरा कुनबा एक साथ इस नामांकन में दिखाई दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने कहा कि सलेमपुर की जनता ने मन बना लिया है, इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर को जिताएगी। आज जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, यह तय हो गया कि आने वाले 1 जून को सलेमपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। जब जनता खड़ा हो जाती तो लड़ाई कहाँ रह जाती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता के आशीर्वाद से भारी जन से समर्थन मिला है, आज नामांकन हो गया और भारी मतों से चुनाव। क्या लगता है सलेमपुर का मूड क्या है? सलेमपुर का मूड बदलाव का है, परिवर्तन का है और जनता खड़ा हो गई है। जब जनता खड़ा हो जाती है तो लड़ाई क्या रह जाती है। आम जनता हम मेरे लिए दल जात पार्टी सब टूट चुका है और सारे लोग इस बार सलेमपुर में परिवर्तन चाहते हैं। विकल्प रमाशंकर राजभर मिल गए हैं, भारी मतों से चुनाव जीते। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम 10 सालों में विकास की गंगा बहती है सलेमपुर में। अगर विकास की गंगा बही होती तो आप लोग पता करिएगा, उनका गांव-गांव खदेड़ा हो रहा है और मुझे गांव-गांव माला मिला। अभी देखा गया कि चर्चा ये चल रही है कि आनंद जी स्वामी महाराज जी जो है वहाँ के, वो भी समाजवादी पार्टी से पर्चा लिए हैं और वो भी दाखिल करने वाले हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? उड़ती खबरों पर मुझे कोई भरोसा है, कितनी सच्चाई है। मैंने सिंबल दाखिल कर दिया, मुझे पर्चा मिल गया, उड़ती खबरें तो चलती रहेंगी। समाज पार्टी से भी राजभर प्रत्याशी ने नामांकन किया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के डमी उम्मीदवार है, इसीलिए दलित समाज भी मेरे साथ हो गया है, क्योंकि सबसे पहले वो संविधान बचाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी को रमाशंकर राजभर हरा रहे हैं। इसलिए पूरा दलित समाज जो बाबा साहब को मानते हैं, जो मानवर कांसी राम को मानते हैं, और मैं भी चूंकि उसी मिशन से आता हूं, इसलिए वो सारे लोग भी मेरे साथ। कल भी भीम राजभर यहाँ पे आए हुए थे और उनका ये सवाल उनसे किया गया था, लेकिन वो इस सीधा इनकार करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। डमी उम्मीदवार के बयानों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाजपा को ललकारने दीजिए, वो हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल हमारा ही समर्थन कर। राजभर समाज कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आप लोगों को लग नहीं रहा है कि राजभर समाज जीतने वाला के साथ जाएगा? जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, वो देखिए अब उनकी मजबूरी है गठबंधन में, लेकिन उनके बेटे को तो इसी रविंद्र कुशवाहा जी ने 5 दिन में हराया था। तो मैं समझता हूँ कि जब सब लोग मेरे साथ खड़ा हैं तो मेरा समाज भी मेरे साथ खड़ा है, वो इस समय इतना काबिल हो चुका है।